हेलो माय फ्रेंड्स वेलकम माय यूट्यूब चैनल गजान एकेडमी मैं हूं आपका दोस्त जिग्नेश राणा सो so, आज का टॉपिक है व्हाट इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड एक्सेसरीज यानी कि हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे उसको हम उसका हम डिटेल में हम डिस्कस करेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इंजीनियरिंग ग्राफिक सो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को हम इंजीनियरिंग ड्राइंग भी कह सकते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग इज अ टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इन जनरल इट प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप साइज सरफेस क्वालिटी मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक्सेट्रा ऑफ द ऑब्जेक्ट इट इज द ग्राफिक लैंग्वेज फ्रॉम व्हिच ट्रेन पर्सन कैन विजुलाइज ऑब्जेक्ट सो बेसिकली इंजीनियरिंग ड्राइंग को क्या है कि थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को हम टू डायमेंशनल में हम रिप्रेजेंट करें थ्री डायमेंशनल विन्स वॉट लेंथ विथ एंड हाइट और टू डायमेंशनल विन्स लेंथ इंटू हाइट विथ इंटू हाइट वट ओके सो so, बेसिकली जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा उसका शेप कैसा है यानी कि सर्कल है स्क्वायर है रेक्टेंगल है क्यूबॉइड है, क्यूब है क्यूब है कौन सा है टू में थ्री में फिर उसका साइज कितना है इसकी सरफेस क्वालिटी कैसी है उसका मटेरियल कौन सा है वुडन वुडन मटेरियल है वो मेटल का है प्लास्टिक मटेरियल का है कौन कौन से मटेरियल का है उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फिर वो ऑब्जेक्ट किस मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस से बना हुआ है वो हमें बताता है तो सो इंजीनियरिंग ड्रॉइंग एक एक ग्राफिक लैंग्वेज है तो वो कौन विजुलाइज कर सकता है जो ऑब्जेक्ट को विजुलाइज करने की क्षमता कौन रखता है वो ट्रेन पर्सन ही कर सकता है यानी कि जो इंजीनियरिंग को अच्छे से पढ़ता होगा अच्छे से जानता है वही लोग इस लैंग्राफिकल लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ पाएंगे ओके सो ना मूव ऑन ड्रॉइंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड एड्स सो सो इंस्ट्रूमेंट्स एंड अदर एड्स यूज इन ड्राफ्टिंग वर्क आर लिस्टेड बिलो हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे उसकी लिस्ट हमें दी गई है नंबर वन इज अ ड्रॉइंग बोर्ड सेकंड सेट स्क्वायर फ्रेंच काउ इंस्ट्रूमेंट बॉक्स प्रोटेक्टर ड्रॉइंग टैंपलेट्स ड्रॉइंग सीट्स एंड पेंसिल्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉइंग बोर्ड एज यू की ड्रॉइंग बोर्ड होता है वो वुडन मटेरियल का होता है और उसकी थिकनेस कितनी है ट्वेंटी फाइव एम एम की थिकनेस है और आपको दिख सकता है टॉप ऑफ द फिगर्स अपर साइड ऑफ द ड्रॉइंग बोर्ड यू कैन सी अगर कलर स्टिक सो वो क्या है वो वर्किंग एज है टी स्क्र के लिए सो टी स्क्र नाउ इज नॉट यूज मोस्ट ऑफ ली सो इट इज रिप्लेस बायी ड्राफ्टर सो नाउ इज मिनी ड्राफ्टर यूज इंस्टेड ऑफ टी स्क्र विच कैन बी फिक्स एन एनी बोर्ड सो मिनी ड्राफ्टर क्या है वो हम बाद में नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे सो स्टैंडर्ड साइज ऑफ बोर्ड डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ ड्रॉइंग सो so, बॉर्ड की जो अलग अलग साइज होती है वो सीट के ड्रॉइंग सीट के हिसाब से अलग अलग होती है सो so, हम देखेंगे यहाँ पे कि हमें एक टेबल दिया गया है सो डायमेंशन ऑफ इंजीनियर्स ड्रॉइंग बोर्ड तो इंजीनियर्स कौन कौन के प्रकार से ड्रॉइंग बोर्ड यूज करता है सो so, उसका डिजिग्नेशन भी है डी ओ तो उसका डायमेंशन कितना है फिफ्टीन हंड्रेड इंटू थाउजेंड हंड्रेड एम एम ओके उसको उस, उसके लिए कौन से सीट चाहिए तो ए ज़ीरो सीट चाहिए हमें फिर बाद में आता है डी वन थाउजेंड टू तो सेवन हंड्रेड एम का होता है और उसकी सीट साइज कितनी होती है ए वन फिर आता है डी टू सेवन हंड्रेड इंटू फिफ्टी एम का उसको हम ए टू सीट साइज कहेंगे फिर आता है डी थ्री फाइव हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड ए थ्री साइज का सब तो बेसिकली इंजीनियर्स और डी और डी वन ऑफिस के लिए यूज किया जाता है यानी कि इंडस्ट्रियल ड्राइंग के लिए हमें डी जीरो और डी वन का यूज करना पड़ेगा और एज अ स्टूडेंट स्टूडेंट यूज डी टू प्रैक्टिस स्टूडेंट क्या करता है प्रैक्टिस करता है वो अच्छे सीख सके ओके okay? सो so, उसकी प्रैक्टिस हम करेंगे सो डी टू साइज में नेक्स्ट मूव ऑन द सेट सेट स्क्वायर स्क्वायर अ अ इज ड्रॉइंग एड यूज टू ड्रॉ नोन प्री सेट एंगल इन टेक्निकल ड्रॉइंग एंड मैथमेटिकल एक्सरसाइज सो सेट स्क्वायर आपने देखा होगा ओके okay? सो so, ये आपको फिगर में दिख रहा भी होगा कि वो प्लास्टिक मटेरियल का आता है ट्रांसपेरेंट करता है अलग अलग कलर में मिलता है सो सेट स्क्वायर स्क् थर्टी डिग्री सिक्सटी डिग्री नाइनटी डिग्री होता हम और फोर्टी फोर्टी फाइव नाइन्टी डिग्री के वेरिएंट में हमको मिलेगा ओके सो बेसिकली टू कॉमन सेट स्क्वायर कॉम्बिनेशन स्क्वाम्बिनेशन थर्टी एंड फोर्टी फोर्टी फाइव नाइनटी डिग्री ओके तो यूज दिस ड्रॉइंग एड्स करेक्टली दे हैव टू बी प्लेस ऑन अ स्टेबल फ्लैट सरफेस क्रॉस टी स्क्वायर नोन एंगल टू पेपर प्राइविंगलो बेसिकली करेंगे हम मेजरमेंट करेंगे सो so, हम लोग कौन से एंगल मेजर करेंगे तो उसमें होता ही ओके okay? लेकिन सपोज हमें फिफ्टी फाइव एंगल मेजर करना होता तो प्रोटेक्टर यूज सेट स्क्वेयर से हम यूज कर सकते हैं ओके सो पैरल ड्रॉ करने के लिए एंगुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए हम सेट स्क्वेयर यूज करेंगे नेक्स्ट मूवेंट फ्रेंच कव सो फ्रेंच कव आर प्लास्टिक और वुडन टेम्पलेट्स हैविंग एन एज कॉम्पोज ऑफ सेवर डिफरेंट कव सो बेसिकली फ्रेंच कौ प्लास्टिक मटेरियल और वुडन मटेरियल में आता है ओके फ्रेंच कौ आर यूज इन ड्राफ्टिंग और वीफोर कम्प्यूटर एडेड डिजाइन टू ड्रॉ स्मोट कप ऑलमोस्ट नी डि मेकेनिकल ड्राॅइंग फ्रेंच कव का यूज हम एक ड्राफ्टिंग के लिए करते हैं और कॉम्प्यूटर एडेड डिजाइन में भी करते हैं हम ओके सो वो कहाँ पर यूज होता है कि जो मेकेनिकल ड्राॅइंग होता है जो हमें डिजायर करवेचर हमें कव ड्रॉ करना होता है तो उस कव को हम स्मूथली ड्रॉ करने के लिए फ्रेंच कव यूज करेंगे सो दिस काइंड ऑफ फ्रेंच कव यूज इन इंजीनियरिंग कव हम इंजीनियरिंग कव यानी कि कॉनिक सेक्शन कॉनिक सेक्शन इनवोल सेक्शन साइक्लोइड सेक्शन ओके एक्टिविडियन स्पाइरल तो वो सब ड्रॉ करने के लिए हम फ्रेंच कोव यूज करेंगे ओके नेक्स्ट मूव ऑन मनी ड्राफ्टर मिनी ड्राफ्टर कंसिस्ट ऑफ एन एंगल फॉर्म बाई टू आर्म्स विजिटली क्या है प्लास्टिक मटीरियल का राइट एंगल से आपको दिख रहा होगा उसके ऊपर स्केलिंग किया हुआ है जो हम नॉर्मल स्केल आता है ना उस प्रकार से उसके स्केलिंग होती है उस पर हम उस पे भी हम 90 डिग्री तो लाइन ड्रॉ कर, कर, कर सकते हैं वन डिग्री लाइन वन एटी डिग्री लाइन भी ड्रा कर सकते हैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और हम एंगुलर लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं ओके तो उसका यूज कैसे होना है वो बाद में सीखेंगे अभी हम इसका सिर्फ ये इट इज़ यूज फॉर ड्रॉइंग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल लाइन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस फॉर मेजरिंग लाइंस एंड एंगल्स ओके तो बोर्ड के ऊपर उसको फिट करके हम उसको कहीं भी कैसे भी किस जगह पे हम ड्रॉ कर सकते हैं अपना जो ड्राइंग है वो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स सो इट इज यूज टू ड्रॉ अ लाइन अर सर्कल इट जनरली कंसिस्ट ऑफ टू लेग्स, वन एंड अडर एंड एज अ होल्डर पेंसिल इज टू बी प्लेस इन दैट होल्डर एंड इज टाइटन यूजिंग स्क्रू सो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के लिए हमें बेसिकली लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज कर सकते हैं सर्कल ड्रॉ करने का यूज कर सकते हैं ओके जो हम सिंपली हम डिवाइडर से ड्रॉ करते हैं सर्कल ओके सो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का मोस्ट ऑफली इतना ज्यादा यूज होता नहीं है सिर्फ डिवाइडर होगा तो आपका काम हो जाएगा ओके नाउ नेक्स्ट इज प्रोटेक्टर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स सो प्रोटेक्टर इज यूज टू मार्क एंगल विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट और लाइन ओके सो प्रोटेक्टर से हम हम क्या करें क्या मार्क करेंगे एंगल मार्क करेंगे पर्टिकुलर लाइन और पॉइंट के ऊपर इट इज इन द शेप ऑफ सेमी सर्कल विच इज ट्रांसपेरेंट एंड मेड ऑफ प्लास्टिक वो एक सेमी सर्कुलर शेप में आता है वो ट्रांसपेरेंट होता है और प्लास्टिक के मटेरियल का होता है इट कैन मेजर एन एंगल फ्रॉम जीरो टू वन एट डिग्री हम प्रोटेक्ट जीरो टू वन एट डिग्री एंगल मेजर कर सकते हैं द सेंटर ऑफ दिस बॉटम लाइन इज मार्क विथ ओ और सी फ्रॉम विच एंगल्स आर मेजर तो बीच में एक सिंपल सा पॉइंट हो तो वो हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है वहाँ से हम एंगल मेजर करेंगे नेक्स्ट इज द ड्रॉइंग टैबलेट्स ओके सो ड्राइंग ड्रॉइंग बेसिकली होता है क्या है कि मान लो कि हमें फोर एम mm का सर्कल ड्रा करना है सो इट इज़ नॉट पॉसिबल यूजिंग कंपास और डिवाइडर सो एट दैट टाइम वी नीड टू यूज टेम्पलेट्स ओके जो मार्केट में अलग अलग साइज डायमेंशन के मिलते हैं कोई ड्रॉइंग कोई ड्रॉइंग टेम्पलेट बोलता है कोई सर्कल मास्टर बोलता है कोई मास्टर सर्कल रहा है ओके okay, सो so वो स्टोर में अवेलेबल होता है if you buy any geometry box for placing all the drawing instrument then drawing template also given along with it which has alphabet printed on it or kabhi kabhi hum alphabet bhi hum likh sakte hai directly to तो 4 mm ya koi bhi 4 mm se leke 20 mm tak ka hum hame circle draw karna hoga to hum basically kya kare drawing template se use karenge तो पहले हमें क्या करना है directly circle draw कर देना और फिर बाद में उसका center find कर लेना है okay? ड्रॉइंग सीट सो ड्रॉइंग सीट इज अट पेपर ऑन विच एन ऑब्जेक्ट इज ड्रोन विच इज अवेलेबल इन वेरियस साइज सोन बिलो ड्रॉइंग सीट पे हम क्या करेंगे जो भी ऑब्जेक्ट हमें दिया गया है उसका व्हाइट हम, पेपर हम पे ड्रॉ करेंगे और उसकी भी अलग अलग डेजिग्नेशन होती है लेंथ और व्हीथ के हिसाब से डायमेंशन के हिसाब से तो आप देख सकते ए जीरो के एटी एटी फोर इंटू एटीट एट हंड्रेड फोर्टी ए वन किसटी फोर एट फोर्टी वन ए टू की सीट है फोर ट्वेंटी इन फाइव नाइन्टी फोर हम ए टू सीट साइज की सीट यूज करेंगे ड्राइंग करने के लिए हम एंज स्टूडेंट्स के हिसाब से हम ए टू साइज की ड्राइंग सीट हम यूज करेंगे जिसका डायमेंशन है फोर ट्वेंटी इंटू फाइव नाइन्टी फोर जो आपको रेड कलर में आपको दिख रहा होगा ए थ्री की साइज है थ्री नाइन्टी से टू नाइनटी सेवन एंड फोर ट्वेंटी और ए फोर का साइज है टू वन जीरो टू ए फाइव का साइज है वन फोर एट एन टू वन जीरो ओके सो हम मैंने बोल दिया पहले से कि क्लास वर्क के लिए हम ए टू तो साइज की ड्राॅइंग सीट यूज़ करेंगे प्रीफर करेंगे नाउट द पेंसिल्स सो पेंसिल इज अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट टूल फॉर ड्राॅइंग मार्केट में आपको लॉट्स ऑफ वेरियंट्स की आपको पेंसिल देंगे लेकिन यहाँ पे हमको ड्रॉइंग पेंसिल यूज़ करनी है सो पेंसिल आर मेन ड्राॅइंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू ड्रॉ लाइन सर्कल्स आर्क पॉलीगोर्न एक्सेट्रा विद रिस्पेक्ट टू स्केल प्रोवाइड ऑफ पेंसिल्स आर हार्ड एंड सम पेंसिल आर स्मूथ कुछ पेंसिल हार्ड होती है कुछ पेंसिल सॉफ्ट होती है स्मूथ होती है तो ग्रेड के हिसाब से हम देखेंगे द हार्ड पेंसिल इज यूज टू ड्रॉ कंस्ट्रक्शन लाइन एंड द स्मूथ पेंसिल यूज टू ड्रॉ मेन लाइन हार्ड पेंसिल हम कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करने का यूज करेंगे मीन प्रोजेक्शन लाइन और स्मूथ पेंसिल किसमें यूज करेंगे मेन लाइन यानी कि विजिबल आउटलाइन ऑब्जेक्ट की जो भी विजिबल आउटलाइन है उसको ड्रॉ करने के स्मूथ पेंसिल हम यूज करेंगे सो so बेसिकली हम फिगर में देख सकते हैं कि एच पेंसिल एक एच पेंसिल ग्रेड होता है तो उसके लेफ्ट साइड पे सॉफ़र एंड डार्कर जैसे जैसे बी टू बी थ्री बी फोर बी फाइव बी जैसे हम ग्रेड बढ़ा जाएंगे ग्रेड बढ़ा जाएगा वो उतना ही सॉफ्ट हो जाएगा पेंसिल का पॉइंट और उसका जो इंप्रेशन बहुत डार्क होगा ओके और जैसे राइट right साइड पे आते हैं एच की तो एच टू एच थ्री एच फोर एच फाइव सिक्स एच सेवन एच एट एच नाइन एच तो वो हार्डर पेंसिल है और वो एकदम लाइट होती है देखने में ओके सो बेसिकली हम कौन कौन सी ड्राइंग पेंसिल यूज करेंगे हम एच बी पेंसिल यूज कर सकते हैं यानी कि बी टू बी यूज कर सकते हैं और एच टू एच मैक्सिमम पेंसिल हम यूज करेंगे सो डिपेंडिंग ऑन द स्मूथ एंड हार्ड क्वालिटी फॉर हार्डनेस ऑफ और क्लासिफाइन टू एटीन ग्रेड डी आर एस फोल सो so, उसका ग्रेड जे सो नाइन एच पेंसिल हम हार्डेस्ट पेंसिल है सिक्स एच फाइव एच फोर एच एक्सट्रीमली हार्ड है थ्री एच वेरी हार्ड टू एच हार्ड एच मॉडर्ली हार्ड एफ फॉर्म एच बी मीडियम हार्ड बी मॉडर्ली सॉफ्ट एंड ब्लैक टू बी सॉफ्ट एंड ब्लैक थ्री बी वेरी सॉफ्ट एंड ब्लैक फोर बी फाइव बी सिक्स बी वेरी सॉफ्ट एंड वेरी ब्लैक एंड सेवन बी सॉफ्ट ओके आउट ऑफ एडिंग एच बी एच टू एच एंड थ्री एच ओके सो थ्री एच नहीं बोला होगा लेकिन एच टू एच एंड एच बी नाइनटी परसेंट स्टूडेंट्स और इंजीनियर यूज करते हैं ओके सो थ्री एच का यूज कहां पर हो रहा है कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करने के लिए टू एच का डायमेंशन लाइन सेंट्रल लाइन सेक्शनल लाइन और हिडन लाइन के लिए ड्रॉ करेंगे हम एच ऑब्जेक्ट लाइनिंग एंड लेटरिंग करने के लिए यूज करेंगे यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो उसका नाम क्या है उसकी इंफॉर्मेशन लिखने के लिए हम लेटरिंग यूज करेंगे इसके एच पेंसिल यूज करें एच बी डायमेंशनिंग और बाउंड्री लाइन्स दिखाने के लिए यूज करेंगे ओके सो आपको अगर वित यू, मैंने यहाँ पे आपको सभी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता दिया है ओके okay? अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें जाने की जब भी मैं फ्यूचर में नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा ओके और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और एक अच्छा सा लवली कमेंट कीजिए थैंक यू वेरी मच